अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आगे की बात। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ पर। मिल्लत का पासवां है मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज 142वां यूम पैदाइश नहायत अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और जबकि दूसरी अहम खबर, अल जज़ीरा रेफरेंस में मियाँ नवाज शरीफ को 7 साल कैद भारी जुर्माना हुआ है, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में उन्हें बरी कर दिया गया है। मुशीर इतलात फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं कि नवाज शरीफ का दिफा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। फैक्ट्रियों से लेकर लैंड ग्रैबिंग तक सिंध में क्या कुछ नहीं हुआ, मुशीर एहतसाब। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं मियाँ साहब की सज़ा अंधे इंतकाम की आखिरी हिचकी है, जबकि मियाँ साहब ने कहा है कि मेरा ज़मीर मुतमईन है, मुझ पर करप्शन साबित नहीं हुई। तो प्रोग्राम का आगाज़ हम यहीं से करेंगे कि बहुत अहम है आज। एक तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का यूम पैदाइश है, दूसरा नवाज शरीफ कायद आज़म सानी अपने आप को कहा करते थे, उनको सज़ा हुई है 7 साल की। एक रेफरेंस में फ्लैगशिप रेफरेंस में वो बरी हुए हैं। ये हो क्या रहा है पूरे मुल्क में, इस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उसूल और नज़रियात भुला दिए गए हैं? वो जिस तरह पाकिस्तान को चलाना चाहते थे कि इसी सिमत दुरुस्त है पाकिस्तान की, इसी तरफ हम जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनमा सरबुलंद खान साहब। सलाम जनाब, खुश आमदीद प्रोग्राम में। आप आजकल के जो लीडर हैं वो बिल्कुल उस बात की नफ़ी कर रहे हैं, जैसे दीगर जो जमातें तहरीक इंसाफ से पहले आई, मैं उन्हीं की बात करूँगा कि कायद अजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तमाम अखराजात का चेक एंड बैलेंस रखा, और जब कभी मीटिंग होती थी उसमें चाय के पैसे तक का भी पूछते थे कि जिसने चाय पीनी वो अपने घर से पी कर आए। एसी तो ज़माने में खैर नहीं था, पंखे गैर ज़रूरी कोई चीज़ होती तो कहते थे कि जिसको आसाइश या आराम करना अपने घर चाहे, यहाँ सिर्फ काम करने के लिए कौमी पैसा है, गरीब का पैसा है, टैक्स का पैसा है। ये खुद भी वो छोटे से घर में रिहाइश पजीर थे, अब तो बनी गाला जैसे बड़े बड़े घर लिए। बनी गाला तो उसके जाती है खान साहब का, लेकिन ले सकते थे क्यों नहीं ले सकते थे, अल्लाह उनकी जिंदगी तो सादगी कहाँ से इख्तियार करें। कायद आजम ने कहा तो उन्होंने करके दिखाया, सादगी के हवाले से करके दिखाया। तो आप भी समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब को भी सादगी के लिए पहल करनी चाहिए, देखिए दो कमरे के मकान में शिफ्ट हो गया। देखिए ना, खान साहब इमरान खान साहब जो है एक लीजेंड रहे, आइकॉन रहे, एक बड़े क्रिकेटर रहे, तो एक घर एक इंसान अपने लिए बना लेता है, लेकिन जो माने खेज बात होती है वो तो जायज तरीके से बनाता है, रेगुलाइज भी करा लेता है। जायज तरीके से रेगुलाइज कराना भी एक कानूनी पहलू है, लेकिन करप्शन के पैसे नहीं थे। 25 साल के बाद रेगुलाइज, कोई पोर्टफोलियो नहीं था खान साहब के पास, ना हमारे किसी इससे पहले जो हमारी हुकूमत गुजरी है उनमें खान साहब की बहन के हवाले से बात आती है, उस पर भी नहीं था, उनकी बहन पे भी नहीं था। और जितने भी लोग हैं जिनका केस नैप में चल रहे हैं उन्हें पहले पकड़ लिया जाता है, उसके बाद तहकीकात होती है। खान साहब की बहन पर कैसे, अलीम खान साहब पर कैसे, इमरान खान साहब पर खुद भी कैसे। मैं उस पर ना, तो आपने मैंने कहा ना कि खान साहब की जो बहन है वो कोई नारा दे दिया आपने, नहीं नहीं सरकारी ओहदे पे नहीं थी ना, किसी सरकारी ओहदे पे नहीं थी, खान साहब खुद वजीर आजम तो नहीं थे, ना उसकी बहन कोई सरकारी ओहदे पे। खान सरकारी ओहदे पे हैं, परवेज खटक साहब सरकारी ओहदे पर हैं, केस आपने भुगत रहे, परवेज खटक साहब भी भुगत रहे। तो शहबाज शरीफ को क्यों पकड़ा, केस भुगतते रहते जब सजा होती जब होती। शहबाज शरीफ को नैब ने पकड़ा, हमने थोड़ी पकड़ा, तो नैब में तो केस उनके भी चल रहे हैं, परवेज खटक साहब को पकड़ ले गया, सबूत मिले बगैर। पता क्या चलता है आप लोगों को, जुल्फी बुखारी साहब ने कल कहा मीडिया पर कि मेरे केस तो खत्म होने वाले हैं। इमरान खान साहब ने बताया, नेपी चेयरमैन ने खड़ा कर बताया, तो अगर मैंने कोई जुर्म ही नहीं किया तो मुझे पता, मुझे सिर्फ क्लेरिफिकेशन देनी आके किसी के सामने भी कि भाई ये चीज मेरी नहीं है, क्या मैंने नहीं किया, मैंने किया ही नहीं, मुझे डर ही नहीं है। देखिए जिन्होंने चोरी किया तो ये कहता है ना मैंने नहीं किया, जिन्होंने चोरी की है उनको पता, आपकी पार्टी में फरिश्ते हैं बाकी सब। मेरे कहने का मतलब ये, आप मुझे बताएं नवाज शरीफ की जो एवन फील्ड की जायदाद है या मेफेयर के फ्लैट्स हैं या पनामा में जो सऊदी इनके बड़ी बड़ी स्टील की फैक्ट्री है वो, तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन आप देखेंगे जुल्फी बुखार की कोई जायदादें तो नहीं है। पनामा में नाम ऐसे आ गया, गलती से डाल दी किसी ने, ऑफशोर कंपनी के हवाले से होगा ना, जायदाद हैं, जायदादें हैं तो ऑफशोर कंपनी बनानी पड़ी ना, सरकारी पोर्टफोलियो नहीं रहा उसका। अब क्यों दे दिया आपने, सरकारी पोर्टफोलियो नहीं पनामा में नाम आना जब जुर्म है तो आपने क्यों दे दिया। आप तो कहते हैं देखें जो जो गलत भाई सरकारी पोर्टफोलियो रहता, बिल्कुल रहता सरकारी, वो किसी बड़े ओहदे पे रहते, हुकूमती ओहदे पे रहते तो हम ये समझते हैं कि उसकी आमदन जो है वो मतलब अपने लोगों के लिए कुछ और क्राइटेरिया है, दूसरों के लिए कुछ और क्राइटेरिया नहीं। इमरान खान साहब क्या करते थे वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले, इमरान खान साहब का बयान था कि जिस जिसके ऊपर नैब का केस है वो पहले नैब के केस भुगते,
उसके बाद आकर कि कोई भी अहदा लेना है वो ले लें, हमें اعتراض नहीं होगा। अब अपनी बारी में अपने ऊपर भी केस नैब का है, अलीम खान साहब, परवेज खटक साहब, पता नहीं कितने नाम है जिनके ऊपर। देखिए हमारे एक भी आपके हमारे एक मिनिस्टर थे वकील जो है खान साहब के, बाबरवान साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आजम खान स्वाती ने इस्तीफा दे दिया। आजम खान स्वाती ये सारे पहले के भी देते इस्तीफा, बुखारी का केस अलग था, जब तक अपनी बदमाशियां ना कर ले इस्तीफा नहीं देते। आजम स्वाती साहब ने क्या किया, गरीब के पूरे खानदान को पकड़ा के थाने बंद कर दिया, आईजी फोन नहीं उठाएगा तो आपने आईजी तब्दील कर दिया, हटा दिया। ये देख लेना, ये वीआईपी कल्चर नहीं है तो क्या है ये। इस्लामाबाद के आईजी ही मसला था, आईजी के नाक के नीचे एक यूनिवर्सिटी के अंदर आप वजीर मुमलिकत साहब ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ी बड़ी मकदार में मनुष्यात इस्तेमाल हो रही थी। इसको इनको बताया भी गया लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। बार बार फोन करते रहे, वो एक सिटिंग मिनिस्टर के फोन नहीं उठा रहा। देखो ना, आप सवाल करते हैं, आपकी हुकूमत थी, आपने क्यों नहीं पकड़ा? अगर हम पकड़ने जाते हैं तो आप कहते हैं अगर किसी हवाले से मिनिस्टर साहब का फोन नहीं उठाएगा तो आप तब्दील कर देंगे? नहीं, हमने उनको इस बार नहीं, हमने करप्ट अपनी जगह पर, लेकिन आपके एक इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है, वहाँ अगर इस तरह का होता है तो मैसेज बात कर रहे हैं जी बच्चों के पास मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से, उनके अफकार के हवाले से, तो ये रवैया आपका कायद आजम साहब के अफकार के बिल्कुल नफी करता है। हम इस रवैये की नफी करते हैं, हम इस रवैये को कंडेम करते हैं। हमने आजम खान स्वाती को हटा दिया, लेकिन चूंकि हमारी हुकूमत है, आप नहीं सवाल करना यार, आपकी हुकूमत थी, आपने क्यों एहतसाब नहीं किया? आपकी हुकूमत आपने नहीं हटा दिया हुजूर, वो जब फंस गए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा हमने खान साहब ने कहा था इस्तीफा देने, उन्होंने दे दिया, अभी उनका फैसला नहीं आया था। और उसके अलावा जो है, जब हुकूमत वक्त होती है सवाल उनसे बनता है। नैब आप क्यों दबाव क्यों डाल रहे हैं? नैब के चेयरमैन से मिलते हैं बार बार, उन्हें पता नहीं क्या हिदायत आप देते हैं। डार साहब गए आपके, उस्मान डार, वो कहते हैं नैब के दफ्तर मेरा जाना हुआ, फलाना शख्स की, ख्वाजा साद रफीक और फलां की इतनी बड़ी बड़ी फाइल, वो चेक करके आ रहे हैं, उनका क्या बनता है चेक करने का फायदा? हमने वो तो उस्मान डार, उस्मान डार ने क्या करने गए थे? मैं किसी काम से गए होंगे। अच्छा, ये तो आपके गवर्नमेंट के उसका जवाब तो गवर्नमेंट के लोग, उन्होंने देखा नैब के दफ्तर जा रहे हैं अपने जाती काम से, वो उनका सवाल तो खैर वो बता सकेंगे जवाब। पार्टी तो आप ही की है, पार्टी मेरी है, लेकिन कोई हमारे नैब के ऊपर कोई हमारा न गिरफ्त थे ना हम। अच्छा, सुबह शाम मिलते हैं लेकिन आपकी गिरफ्त नहीं है? नहीं, वो तो सब मिलते हैं, आपकी है लेकिन आपकी गिरफ्त नहीं है। वजीर आजम आपका है, गिरफ्त आपकी नहीं है? नहीं, मिलते होंगे, आपकी तो कहीं भी गिरफ्त नहीं है ना। हमारे हमने कोई इसको प्रेशर नहीं किया। अगर हम कहते तो हमारे मिनिस्टरों के खिलाफ भी इस वक्त केसेस नहीं खुले होते, उनको भी पेशियां नहीं करनी भुगतनी पड़ती हमारे सिटिंग। मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान जी, आप तो नए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना है, नए पाकिस्तान के कायद आजम को आप मानते हैं या इमरान खान का नाम रख दिया आपने? नहीं जी, कायद आजम रहमतुल्लाह तो बानी और उनकी विजन को हम आगे लेके जा रहे हैं। खान साहब, नया पाकिस्तान क्या मतलब है? नया पाकिस्तान ये कि जो कहीं और किसी और जगह जाके बनाएंगे? नहीं, नहीं, ये जो आप हमसे पहले जो जितने भी हुक्मरान आए हैं उनकी जायदादें देखें, जब वो वजीर नहीं थे उनके पास कैसा नया पाकिस्तान है कि वजीर आजम तो उनकी वजीर आजम पाकिस्तान के हैं, बच्चे उनके बाहर पढ़ लें, दूसरों को दर्श देते हैं कि जी फलां के बच्चे बाहर पढ़ लें, अपने को तो बुलाओ पहले यहाँ पर। बड़ी अच्छी बात की, खान साहब के बच्चे चूंकि उसकी जो बीवी थी वो चूंकि रहती है बर्तानिया में, तो वो उसके बच्चे थे और वो अपनी मर्जी से मिसाल बनाए, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में पढ़े, पाकिस्तान के कॉलेजेस में पढ़े वजीर आजम के बच्चे, मिसाल बनेगी? आप बता, आप किस मुंह से कहेंगे कोई इतराज तो नहीं? किस मुंह से आप ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान में इतनी अच्छी तालीमी इदारे हैं कि यही बच्चों को पढ़ाना चाहिए? नहीं थे ना, आप बना रहे हैं ना। अच्छा, नहीं थे आज तक तालीमी इदारे इतने अच्छे नहीं थे। नवाज शरीफ साहब अपने दिल का दौरा पड़ता है तो बाहर मुल्क चले जाते हैं, अपने तीन चार बारियां लेने के बावजूद, पांच बारियां लेने के बावजूद एक हॉस्पिटल ये नहीं बना सके, 11 साल हुकूमत पीपल्स पार्टी करने के बावजूद 10 बसें नहीं दे सके, कोई हॉस्पिटल कोई कॉलेज कोई रोड मिले? आपको 5 साल मिले के अभी के में कितने हॉस्पिटल बना दिए, कितनी यूनिवर्सिटियां बना दी, कितनी बिजली पैदा की, कितने डैम बना दिए आपने? देखिए हमारे तो जो छोटे डैम थे वो तो सैकड़ों की तादाद में थे, गाँव में। अच्छा। गाँव के अंदर वो उसी को छोटे छोटे गाँव में सर, वो जिनके बारे में आप कह रहे हैं वो डैम नहीं है, कुआं कहीं खोदा हुआ? नहीं, हमने बिजली के छोटे छोटे लगाए थे, वो प्लांट लगाए थे और उससे छोटे छोटे यूनिवर्सिटियां कितनी बनाई आपने? तालीम के तो आप खुद जानते हैं कितनी है। मयार हम नहीं कहते, ये यूनिवर्सिटियां कितनी बना दी? सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि पंजाब से आगे खैबर पख्तूनख्वा चला गया। तालीमी मयार के हवाले से आप बिल्कुल रिकॉर्ड पर आप चीजें देख सकते हैं, लेकर गए किसी की बदौलत हमें दूसरी दफा। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के रिमार्क्स थे कि सेहत का वहाँ
سندھ سے بھی زیادہ برا حال ہے. چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں, ریمارکس تو یہ بھی ہیں, ہم کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ صاف یہ فالتو باتیں کرتے ہیں. چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں, یہ ریمارکس بھی ہیں, یہ بھی ہیں کہ جب وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ سندھ میں آئے تو انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب نے پانی نہیں پیا اس گاؤں کا, تو اس کے یہ بھی ریمارکس ہیں. اور سندھ کے بارے میں آج جو ان کے ریمارکس سے آپ نے سنے ہوں گے کہ کہاں گئی ایان علی, کہاں گئے وہ زرداری صاحب, ثابت کرنا پڑے گا نا ساری چیزیں. بات یہ ہے کہ وہ پیسے کہاں گئے, ایان علی ہو یا کوئی وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس سات پورٹ فولیوز رکھے ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب نے, اور سات پورٹ فولیوز کے ایسے پورٹ فولیوز رکھے ہیں جن سے حکومت آ گئی میں ڈائریکٹ پیسہ جاتا ہے. صاحب آپ کی حکومت آ گئی ہے نئے پاکستان میں, اب آپ کی حکومت ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. آپ نئے پاکستان کے ظاہر بانی آپ بنے ہوئے ہیں اور قائد اعظم ثانی بننے کی چکر میں ہیں, لیکن یہ بتائیے کہ اس وقت جب سے 4 ماہ ہوئے ہیں آپ کی حکومت کو, غریبوں کے لیے کوئی 2-4 ایسے کام کیے ہوں آپ نے جس میں آپ کو دعائیں بھی مل رہی ہوں, اور اب حال ہی میں ضمنی انتخابات بھی ہوئے ہیں بلدیاتی, اس سے رزلٹ تو پتہ چل گیا, اس میں بات کر لیتے ہیں, لیکن کیا کچھ کیا آپ نے غریبوں کے لیے؟ دیکھیں جی, ہمارے ابھی 120 دن ہوئے ہوں گے, 130 دن ہوئے ہوں گے, اس میں ہم نے قانون سازی کے حوالے سے, پالیسی کے حوالے سے کاروائی کی ہے. ہم ابھی صحت کارڈ دیں گے غریبوں کو, یعنی کہ غریب آدمی کیا کر چکے 4 ماہ میں, آپ کہہ رہے ہیں مزید اب کریں گے فلاں کام بھی کریں گے, کیا کیا ہے اس پہ کاروائی ہو, کیا کیا ہے بتا دیتا ہوں نا. آپ نے بجلی مہنگی, پیٹرول مہنگا, ڈالر مہنگا, آٹا مہنگی, دالیں مہنگی, سر یہ کر چکے ہیں جی, میں بتا رہا ہوں, آگے بتا رہے ہیں کریں گے. چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, پھر بتائیے گا تفصیل سے. سوال بڑا اچھا ہے, جی تفصیل سے بتائیے گا جو جو کام آپ نے, کیونکہ بریک میں اس لیے میں جا رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے تاکہ آپ سوچ لیں. بہت سارے کام آپ کر چکے ہیں, بالکل آپ کے اس کا جواب لیں گے ہم سربلند صاحب سے, لیکن اس بریک کی بات کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید, اب ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما فائز طارق نذیر صاحب نے بھی جوائن کر لیا, انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سر بلند صاحب آلریڈی موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں جی ملت کا پاسبان محمد علی جناح, قائد اعظم محمد علی صاحب کی سالگرہ ہے, اب محمد نواز شریف صاحب کی بھی سالگرہ ہے, اور فیصلہ العزیزیہ ریفرنس کا آ چکا, نواز شریف صاحب کو 7 سال قید, بھاری جرمانے کی سزا بھی دی گئی ہے. اس میں ایک بڑا اہم بیان جو ہے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے دیا, بلند صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا دفاع کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے, کیا مطلب اس بات کا؟ دیکھیں جی, جو شخص ملک میں چوری کا مرتکب ہوا ہے اخلاقی طور پہ تو جواز نہیں بنتا ہے کہ اس کا دفاع کیا جائے, تو اس پس منظر میں وہ بات کر رہے ہیں, تو اس وجہ سے وہ بات کر رہے ہیں کیونکہ اس ملک میں کوئی اقدار ہونا چاہیے, اخلاقی اقدار ہونا چاہیے, اور ملک کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ایک ایگزامپل ہوتا ہے آنے والی نسل کے لیے, ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو ان کو ایسا ایک کیریکٹر ان کا ایسا ہونا چاہیے کہ اس پہ کرپشن کے کوئی چارجز نہیں ہونے چاہیے. آپ اپنے سمجھ لیں کہ نظریے کی بنیاد پہ, پرفارمنس کی بنیاد پہ آپ کو ووٹ پڑے یا نہ پڑے, لیکن اس طرح کے آپ کہہ رہے ہیں ان کا جو دفاع کرے گا نہ پڑے, ان کا جو دفاع کرے گا جس طرح خواجہ طارق نذیر صاحب بھی بیٹھے ہیں, یہ بات سب کے لیے آپ نے کر دی کہ شرم آنی چاہیے کرپشن کے حوالے سے. خواجہ طارق نذیر صاحب عبدالعزیزیہ ریفرنس میں میاں صاحب کو 7 سال قید اور بھاری جرمانہ, اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ان کا جو دفاع کرتا ہے انہیں شرم آنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا, آپ کے چینل کا. پہلے تو میں بھائی نے جو دو باتیں کی ہیں اس پہ تھوڑا سا جی. انہوں نے اخلاقی اقدار کی بات کی ہے, انہوں نے اخلاقی اقدار کی بات کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس کی اخلاقیات کے بارے میں لاس اینجلس کے کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا ہوا ہے, ان کو یہ بات کرتے ہوئے ہمیں اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے, ایک بات کرپشن کی انہوں نے بات کی, بالکل کرپشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ملامت کرنی چاہیے, لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ کرپشن کوئی ثابت نہیں ہوئی, الزام بھی نہیں ہے کوئی کہ بھائی آپ نے اتنے پیسے چرائے, کک بیک لیا, مس یوز کیا, لیکن آپ صرف کرپشن کو فائنینشیل کرپشن کے طور پہ کیوں لیتے ہیں؟ کیا اخلاقی کرپشن جو ہے کرپشن نہیں ہے؟ پوری جماعت بشمول ان کے چیئرمین کے, سارا پاکستان جانتا ہے کہ اخلاقی کرپشن میں ان کے جو کہتے ہیں انگ انگ ڈوبا ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں.
रहा आपने सवाल के जी उनको शर्म आनी चाहिए दिफा करने वालों को। जी हाँ, देखिए आज जो कोर्ट ने फैसला दिया है इससे कहीं बड़ा फैसला जो है जुल्फकार अली भुट्टो का आया था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने दिया था 5-4 के हवाले से। उसके बाद उसका क्या हुआ, उसी के चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने क्या फरमाया, एक बात, ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। हमारे खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ वो जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने एक फैसला दिया था उम्र कैद का, आपको याद होगा, तो क्या हुआ, आज हो ये रहा है कि एक कठपुतली को बिठा दिया गया है और उसके जरिए जो है आप जो है मतलब वो इकदाम कर रहे हैं सियासी लोगों को बदनाम करने की, मलऊन करने की, डिसक्रेडिट करने की, ताकि शायद आगे चलकर बांग्लादेश स्टाइल जो है फॉर्मूला आप इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, फार्मूला लेना चाह रहे हैं आप लोग। अच्छा, इसमें इनका 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 अच्छा, इसमें ये बात तो नहीं है ना जो बार बार हम बात करते हैं कि जी किसी हद तक एहतसाब के अमल पर गवर्नमेंट भी असरअंदाज हो रही है। देखिए बात ये है सर, ये तो असरअंदाज नहीं है। सर्वर सुन लीजिए मेरी बात, मेरी गुजारिश ये है कि एहतसाब जरूर होना चाहिए। अगर मैं करप्ट हूँ तो मेरा एहतसाब भी होना चाहिए और मेरी सजा भी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि क्या करप्शन जो है या एहतसाब जो है सिर्फ नवाज शरीफ का या उसकी फैमिली का ही होगा, ठीक है, या आगे चलकर आप सिर्फ अपने अपोजिशन को, अपोजिशन में जो लोग हैं ये सियासी लोग हैं उन्हीं का होगा। अगर ये एहतसाब जो है बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड, बिल्कुल एक तरह का एहतसाब अगर हुकूमती पार्टी का भी होता तो हम कहते हैं कि सुभान। अच्छा, वो ये कहते हैं जी हमारे तो लोग, वो भी तो नैब की कोर्ट के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, अलीम खान साहब। मुझे ये बताइए कि जब से इनकी हुकूमत आई है क्या अलीम खान, जहांगीर तरीन, असद कैसर, खटक, जुल्फी बुखारी, अलीमा खान, आप नाम तो लें। अच्छा, खुद इमरान खान साहब, ये हम बात कर रहे थे, इमरान खान साहब का अपना केस जो है हेलीकॉप्टर केस। अच्छा, ये तो बात जब तक होती रहेंगी जब तक के एहतसाब जो है बिला तफरीक नहीं होगा। अगर किसी और को सजाएं हो रही हैं या बार बार चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, आपके सारे मिनिस्टर बने हुए जिनके पर इल्जाम हैं। देखिए जी, पहले मैं ख्वाजा साहब की इस बात को ज़रा मैं बात करना चाहूँगा कि ख्वाजा साहब अपनी ही नैरेटिव की नफी कर रहे हैं। जब इनका दौर था तो कह रहे थे हम जरदारी साहब को घसीटेंगे, उनके पेट से वो पैसा निकालेंगे, ठीक है जी। और अब आके खुद फ्लोर पर भी इनके जो वफाकी मिनिस्टर थे साद रफीक साहब ने ये कहा कि भाई जरदारी साहब को सजा नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि आप बात कर रहे हैं तो जरदारी साहब भी इस्तेमाल किए, कहते हैं जी अब खुदा ना खास्ता जरदारी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया तो मुल्क में हैजानी कैफियत पैदा हो जाएगी। हमदर्दी है जरदारी साहब से, वो खुद इकरार भी कर रहे हैं करप्ट है और ये भी कह रहे हैं कि उनको रिलीफ दी जाए, क्योंकि उनसे मुंसलिक ये सियासी पार्टी, ये जो पहले दो जमातें गुजरी हैं, खान साहब जैसे कहते थे कि ये सिक्के के दो रुख है, ये तो आप मान रहे हैं। अच्छा, ये खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं, सड़कों में सीट दूंगा और मेरा नाम खुद, हाँ इन्होंने खुद कहा कि कर दीजिएगा, बिल्कुल ये इनका स्टेटमेंट है साद रफीक का कि अगर जरदारी साहब करप्शन के खिलाफ बात करें तो ये कयामत है। तो मुकदमा से बचने के लिए एक हो रही है, पहली बात तो ये है कि यू टर्न के हवाले से तो उन्होंने खुद इकरार कर लिया ना, तो अब तो टीम लीडर के लिए जरूरी है। हाँ, नहीं, यू टर्न लेने का करप्शन नहीं है, करप्शन तो नहीं है। तो बात ये है कि अगर मैं पाकिस्तान, अगर मैं यू टर्न ले लेता हूँ, बड़े लीडर, अगर मैं यू टर्न ले लेता हूँ, बात ये है कि इस वक्त मुल्क की जो हालात है, मुल्क के जो हालात है, क्या वो इस बात के मुताबिक नहीं है कि आप गवर्नमेंस पे जोर दें कि आप किस पोजीशन, आप 1 करोड़ नौकरियां दें, 50 लाख मकान दें, 10 लाख दरख्त लगाइए पे खड़े थे, क्यों नहीं करते आप डिविडेंड्स पे, डिविडेंड्स पे बात कर सकते हैं, ये जो सवाल उठा रहे हैं सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप दिफा नहीं कर सकते उन तमाम केसेस का जो साबित हो चुके हैं जिन पर आज सजा हुई है। इससे पहले सजा क्या हुई है, अदालत के निजाम पे सवाल तो नहीं करेंगे ना। देखिए बात यह है, मेरी गुजारिश सुनिए, देखिए फैसला तो सारे लोग भी इकट्ठे हुए हमारे खिलाफ आया, हम कबूल करते हैं, हम देखिए अदालतों में दबाव डालने के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए आज भी। जी बिल्कुल, और इनको खुश होना चाहिए कि एहतसाब का अमल अक्रॉस द बोर्ड है, पीपल्स कोई अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, वन साइडेड है, पार्टी भी, ये इंतकाम है, ये इंतकाम है, बुलाए ना इमरान खान को, पार्टी फॉरेन फंडिंग केस कब से चल रहा है, मुझे 4 साल से ज्यादा कर सो गया, क्यों नहीं देते है, वो अलीमा खान के अकाउंट में से पैसे निकल रहे हैं, वो करप्शन, अलीमा खान के अकाउंट, वजीर आजम एक शख्स वजीर नहीं,
सबसे अमीर तरीन दुनिया का बेरोजगार शख्स उसके कहां से इतने अहसास बन गए। देखे जी इमरान खान के भाई का पैसा कहां से आया, फेमस क्या कपड़े सीसी के रहा फेमस होगा, देखिए कारोबार करती थी दुबई में, जुर्माना देना इतराब है जुर्म है, करप्शन तो नहीं की, करप्शन ही की थी ना, जब जुर्माना नहीं देंगे, देखिए नहीं कोई जुर्माना नहीं देंगे, नवाज शरीफ साहब लड़ेंगे केस, अच्छा जुर्माना नहीं देंगे, हम केस लड़ेंगे भाई, फैसला जुर्माना में जाएंगे, शरीफ साहब आवामी अदालत में जाएंगे, आवामी अदालत में जाने का मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान में आप दोबारा जलसे जुलूस भी करेंगे, मार्च भी करेंगे। देखिए पहली बात तो ये स्ट्रीट पावर है भी आपके पास, सुनिए अब मेरी, आपने सवाल कर लिया ना, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं जवाब दे, सर इसीलिए बुलाया आपको, बिल्कुल तो आप सुन लीजिए ना, देखिए पहली बात तो ये है कि हम आईनी रास्ता जो है वो इख्तियार करेंगे, बिल्कुल हक बनता है आपका, बिल्कुल हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इंशाल्लाह, वो पार्लियामेंट में हम सबसे बड़ी अपोजिशन है ना, अब दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर पार्लियामेंट में भी इस चीज को उठाएंगे, उनके साथ भी जिनके पेट फाड़ रहे थे और सड़कों घसीट रहे थे, देखिए मजबूरी है, अच्छा यूटर्न है फिर ये, हाँ, नहीं मजबूरी है ना, जब अच्छा, इनकी ही मजबूरी नहीं है आपकी मजबूरी है, खाद में तो यूटर्न नहीं था क्या, पहले ठीक है कहना फिर कहा, दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग है, देखो हमें तो सिर्फ बदनाम ये लगे यूटर्न ने, सर अपनी बारी पे बोल रहे हैं, बदनाम आपको किया, अपनी बारी पे बोल रहे हैं, मैं सिर्फ एक वर्ड कह रहा हूं, नहीं नहीं मैं भी एक वर्ड कह रहे हैं, बिल्कुल बोले 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 फायदा क्या होगा, बोले बोले देखिए बात ये है कि पार्लियामेंट में ठीक है वो हमारा हक है, इसके बाद आपने जैसे कहा स्ट्रीट पावर है या नहीं है, ये तो आप मानते हैं ना कि हमें 1.5 करोड़ के करीब 1 लाख जितना 1 करोड़ वोट मिले हैं, तो इसका मतलब ये है वोटर्स के अलावा जो नॉन वोटर्स भी हैं पार्टी के मियां साहब के चाहने वाले इस मुल्क में मौजूद हैं ना सरव भाई, तो हम कोशिश करेंगे, हम कामयाब होते हैं नहीं होते एक अलग मैटर है, लेकिन अपनी तरफ कोशिश करेंगे, ये बड़ी आपने बात की, लेकिन ये बड़ी अहम बात है, आपने कहा ना जो अपोजिशन की दूसरी जमातें असेंबली में मौजूद हैं वो बेशक करप्ट लोग हैं जिनके बारे में आप खुद कहते हैं करप्ट, तो सारे करप्ट जो है वो तो ड्राई क्लीन होके उनके साथ मिलके कैसे तरीके चलाएंगे, ड्राई क्लीन होके पीटीआई में आ गए ना, सबसे बड़ा प्लांट बन गया मेरा का हुआ है, गारी साहब के बारे में कुछ कहा आप लोगों ने, तो आप ये बताइए करप्ट तरीन आदमी है, मुझे ये बताइए वो मियां साहब के बारे में कहता रहा नासूर है मियां साहब के बारे में, करप्ट लोग जो है वो इस वक्त पीटीआई में मौजूद है इर्द गिर्द, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, जहांगीर तरीन, जहांगीर तरीन का नाम आ रहा है ना, बाकी फैसले नहीं हुए, जहांगीर तरीन ने कोई करप्शन के कहते नहीं है, वो ये कहते हैं जी बाबा रहमान को हमने इस्तीफा दिला दिया, बाबा रहमान ने समाधि को हमने इस्तीफा दिला दिया, स्वाति को इस्तीफा दे दिया, इनके कौन से हमारे वजरा हैं जो वजारत में रहे हैं उन्होंने करप्शन की, ऐसा कुछ नहीं है, ना अलीम खान वजीर थे ना, इमरान साहब का मौके ये भी है, वो कहते हैं जी नून लीग की हुकूमत रही मैंने कुछ किया तो पकड़ लेते उनके दौर में पकड़ लेते, इनकी तरह नैब को इन्फ्लुएंस नहीं किया, नैब का चेयरमैन आपने लगा, ख्वाजा साहब मिनिस्टर के पास जा लगा के नहीं तो आप चेयरमैन तो पीपी और आपने मिल के लगाया था, आज लगा इजलास किया है कि एक केस में जो बरियत हुई है उसके बारे में वो अपील पे जाएंगे, क्या ही अच्छा होता कि यही फुर्ती अगर नैब के चेयरमैन और नैब उन केसेस के बारे में, इमरान खान का जहाज वाला मामला हेलीकॉप्टर का, इसी तरह अलीम खान का, अलीमा खान का और दीगर का करता तो हम कहते कि यकसा है इत्तेसाब, अभी ये वन साइडेड है ये, तो आगे जाकर इन लोगों में से किसी को अगर खुदा ना करता साबित हो जाता सजा हो जाती फिर मानेंगे आपकी जी बिला तफरीक है, फिलहाल आपके सवाल हैं, हम ये कहते हैं कि जिस तरह ये काम हर मतलब देखिए इंसाफ तो वो है ना आपके जो नजर भी आए, हम तो चले पार्टी के लोग हैं आप कह सकते हैं कि हम बायस्ड हैं, मैं ये भी मानने को तैयार हूं, एक आम आदमी मैं कम अच्छा, आम आदमी की जो बात करें आम आदमी को क्या फायदा पहुंचाया है इन 4 महीनों में आप लोगों ने, जिस पर हम बात करें कि जी देखिए तहरीक इंसाफ आई बिला तफरीक एहतसाब कहा तो वो भी हो रहा है और आवाम को ये सहूलतें दे दी इन्होंने, देखिए जी सबसे पहले आवाम का जो नारा लेकर हम आते थे साहब का, तो आवाम के सबसे बड़े पहले सवाल हमें बनते कि हमसे कहते हैं लोग कि भाई हमें कुछ भी नहीं चाहिए आप इन चोरों को पहले पकड़े, तो आवाम का सबसे दीरीना मुतालबा एक ये था, आप तो कह रहे हैं हमने ना केसेस किए ना हम पकड़ रहे हैं तो आप कैसे पकड़ रहे हैं, मैं देखा आप फिर मैं चोर पकड़ना, हां नैब का काम है, नैब का इनका काम नहीं है, आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं ना, मैंने आपके बारे में नहीं बोला था, आपका चेहरे में लाना हुकूमत का काम होता है, लेकिन
प्रोसिक्यूशन करना, उनको सजा देना, वो हमारा काम नहीं है। उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना हमारा काम नहीं है। कटेरे में लाना, मुकमुका नहीं करना, कौम के पैसे की हिफाजत करना हमारा काम, हुकूमत का काम, यानी कि हुकूमत का। तो वो आवाम इस पर इंश्योर कर रही है। पहला काम आप कह रहे हैं कहा था पूरा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। आवाम को ये बताइए कि आपने चार महीने में महंगाई के हवाले से क्या जो इस वक्त पॉलिसियां बनाई है, आप यूथ के हवाले से हमारी पॉलिसी आ रही है। भाई साहब आपके मुख्तसर कमेंट देखो जाना मुझे। मैं कह रहा हूं कि सेहत कार्ड हमारा आ रहा है, बहुत दिनों के लिए मैं बता रहा हूँ सेहत कार्ड हमारा यूथ के हवाले आ रहे हैं ना सर। मैं तो कह रहा हूँ चार महीनों में किया क्या छोटा सा ब्रेक ले लें, छोटा सा ब्रेक ले लें। फैज सर, नजीर साहब, सरवन साहब हमारे साथ होंगे, छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, उसके बाद बात करते हैं दोबारा। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। मियाँ साहब की सजा अंधे इंतकाम की आखिरी हिचकी है, वक्त बदलते और हालात उलटते देर नहीं लगती। मरियम नवाज, बिलाकर मरियम नवाज साहिबा बाहर आई हैं और उन्होंने ट्वीट्स किए हैं कि बहुत एक लंबा गैप है जब ट्वीट्स किया करती थी वो, आज ये फैसला जब आया है उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट्स किए हैं कि मियाँ साहब की सजा अंधे इंतकाम की आखिरी हिचकी है, वक्त बदलते हालात उलटते देर नहीं लगती। सरवलन साहब जी बिल्कुल इन्होंने सही कहा है, जब ये मुशर्रफ से डील करके बाहर गए थे उस वक्त उन्होंने लिख के दिया था 10 साल हम नहीं आएंगे, बल्कि सियासत में नहीं आएंगे जब तक मुशर्रफ साहब होंगे, लेकिन उन्होंने वहाँ भी अपनी जुबान से फिर गए। ये आए कि मतलब आप ये कह रहे हैं जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी कर सकते हैं। ये गए थे मुकमुका करके, अपनी पार्टी के लोग ख्वाजा साहब जैसे सीनियर लोगों को छोड़ के गए थे, वो अपना खुश है उनके साथ, खुश जरूर होंगे, वफादार है ना, ये अच्छे लोग हैं। और जो हाशमी साहब थे वो जेल की चक्की में, और जब आए तो बेचारे को साइड लाइन कर दिया, फिर हमारे पार्टी में फिर बागी दागी और फिर वापस चले गए। तो सब बात ये है कि ये इनका अलमिया रहा है कि ये नीचे लोगों को नहीं देखते, इनके ऊपर की सतह पर किक बैक्स भी होती है, ऊपर की सतह पर इन पे सारे काम कारकुन के लिए आम कारकुन के लिए कुछ नहीं करते। जिस तरह अलजीजिया के बारे में कहा जाता है 2010 तक स्टील मिल जो है ये सारी बात करते, और 2018 तक बहुत फायदे में 8 साल चलती रही, क्या कहेंगे ख्वाज साहब? जनाब मैं तो बात करूंगा कि इन्होंने जो आवाम से वादे किए थे वो गिनवा रहे सर, ये गिनवा रहा हूँ ना, मैं भी तो गिनवा रहा हूँ, आप भी बताइए। हाँ मैं गिनवा रहा हूँ जो असल इनके वादे थे। अच्छा, असल वादे 1 करोड़ नौकरी, 4 महीने हुए सर, एक सुन तो लीजिए ना, कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया अब तक, और 50 लाख मकान, नहीं एक मिनट, 1 करोड़ नौकरी तो खैर छोड़िए, बेरोजगार कितने लोगों को कर दिया है पिछले चार, मेरी बात बता दे रहे हैं आप अगर गलत है तो, 50 लाख 50 लाख घर, कितने घर ढा दिए गरीबों के, अमीरों के नहीं ढाए, अमीरों के जो है वो रेगुलराइज हो रहे हैं, ठीक है, बनीकारा रेगुलराइज हो रहा है, गरीब आदमी का ढा दिया एक। 10 अरब कितने, 10 अरब मेरा ख्याल में इनको गिनती भी शायद नहीं पता होगी कि 10 अरब का मतलब क्या है। पर डे 54 लाख दरख्त लगाने का इन्होंने वादा किया, मुझे बताइए कि 40 दिन क्या, 50 दिन क्या, 4 साल क्या, 5 साल में भी लगा दें तो मैं कहूंगा कि हाँ साहब आप अपने वादे के ये जो बड़े बड़े वादे किए हैं। मैं पहले सवाल का मैं जवाब दूं कि हमने किसी को बेरोजगार नहीं किया, दूसरे सवाल का मैं आपको जवाब दूं कि हमने घर नहीं ढाए, यहाँ पर कराची में जो ऑपरेशन हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के बैठे होते हैं, नहीं की मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, तोड़ रहे हैं जो मकान के भाई का घर गया, जो इनको एनक्रोचमेंट थी बिल्कुल थी, मैं आपको क्लिप दे सकता हूँ, सिर्फ कराची में वावेला हुआ है, मतलब है कि तोड़ने दे दिया ना सर, नो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम देखो वजीर आजम गलत बयान कर रहा है, जब आए से काम ले रहे हैं, अच्छा गलत बयान नहीं, हां बिल्कुल प्रोटोकॉल 200 से इनकी पूरी लीडरशिप का काम ही यही है, 2 गाड़ियों पे लेकर आए, सर ये इस तरह की बात तो है ना, वीआईपी प्रोटोकॉल छोड़ा, वीआईपी प्रोटोकॉल कम कर दिया सर, कौन सा कम कर दिया, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी आप ही चाहते हैं मुल्क के बच्चे पढ़े, रोशनी फैले, इल्म की, अली भाई के लीडर क्या कहते हैं भाई आप ये प्राइम मिनिस्टर हाउस क्यों खाली कर रहे हो, कल हमने प्राइम मिनिस्टर हमें वापस आना है तो हम कहां बैठेंगे, हम कहां कौन से महल में बैठेंगे सर, ये अगर ख्वाहिशात हो ये सोच हो जो बता रहे हैं
तो फिर क्या है अवाम कहां अर्ज करता है। उन्होंने 23 बिलियन डॉलर लिए 5 साल के अंदर, यानी कि पाकिस्तान का तारीख का सबसे बड़ा कर्जा इन्होंने लिया और मसनूई तौर पे डॉलर को इस्तेहकाम दिया। पहले साल में जितना कर्जा ये ले रहे हैं किसी ने आज तक नहीं लिया। हमने नहीं लिया, आईएमएफ से लिया कर्जा। अली भाई बताइए आपकी बात है, खान साहब जवाब दें। बात ये है जो हालात इन्होंने पैदा किए हैं ना, ये कह रहे हैं हमने घर नहीं डाया, सुप्रीम कोर्ट की आड़ में चाहे पिंडी हो, इस्लामाबाद हो, सरगोधा हो, पाकिस्तान के हर शहर में इन्होंने क्या किया, गरीबों के घर मसमार किए और दुकानें मसमार की है, और अमीरों को जो है उनको या तो रेगुलराइज किया या उनको बख्श दिया। सुनिए हालात ये होने जा रहे हैं, सरवर साहब नोट कर लीजिए, मुझे बुला लीजिएगा, 6 महीने बाद जब इदारों के मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होंगे, जो आफत आप लोगों पर नाजिल हुई हुई है मीडिया के ऊपर, आप तो गवाह है ना, आप तो मजबूर भी हैं, आप बोल नहीं सकते, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं और आपके चैनल पे ये गुजारिश कर रहा हूं कि 6 महीने बाद जब इदारों के पास मुलाजमीन की तनख्वाहों के पैसे नहीं होंगे तो आप देखिएगा कि वही लोग जो इस सारे खेल के पीछे हैं वो इंशाल्लाह नवाज शरीफ के पास भी जाएंगे और इंशाल्लाह इसहाक डार के पास भी जाएंगे, डार साहब के पास भी जाएंगे। जी जाते जाते आप दोनों से आखिरी सवाल, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के हवाले से 25 दिसंबर क्या कहेंगे कायदे आज़म पाकिस्तान? कायदे आज़म का पाकिस्तान तो एक पोला पलता पाकिस्तान होना चाहिए था। पाकिस्तान आज आप क्या कर रहे हैं कायदे आज़म पाकिस्तान बनाने के लिए? हम इंशाल्लाह उसी विजन को आगे लेके जा रहे हैं। हमने आप तो वहीं जा रहे हैं खात्मा करेंगे कायदे आज़म की पाकिस्तान, कायदे आज़म के जो ख्वाब थे, जो रहनुमा उसूल थे, अफकार थे, कह रहे हैं हम उसी पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बात ये है कि अगर हम यही पोलराइजेशन की तरफ जाएंगे, आज देखिए मुआशरा जो है पूरा पाकिस्तानी मुआशरा बहुत ज़्यादा पोलराइज हो गया है। जब तक आप इसको दूर नहीं करेंगे, इख्तलाफ अपनी जगह होता है, सियासत अपनी जगह होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ख्वाजा बुलंद रहनुमा पीटीआई और ख्वाजा तारिक नदवी साहब रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नून, बहुत शुक्रिया। आज का ये प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त, मौलाना की बात।